हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर टेक्निकल प्रज्वल में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं इलेक्ट्रिकल बिल हम हमारे मोबाइल में किस तरीके के साथ यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपका इलेक्ट्रिकल बिल खो गया है तो हम मोबाइल से इलेक्ट्रिकल बिल कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी जानकारी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सभी को सबसे पहले हमारे मोबाइल के जो गूगल होता है, गूगल में जाना है या क्रोम ब्राउज़र में जाना है और आपको यहाँ पर सर्च करना है इलेक्ट्रिसिटी बिल। देखिए यहाँ पर आ गया इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो यहाँ पर फर्स्ट लिंक पर यहाँ पर क्लिक करना है, लोकेशन यहाँ पर ऑन कर देनी है हमारे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर हमारा जो बिल नंबर रहता है वो बिल नंबर यहाँ पर डालना है। तो ये डाल दिया है मैंने। उसके बाद यहाँ पर कैप्शन आपको भर लेना है, 4620। तो फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पर सबमिट ऑप्शन है, सबमिट पर यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिकल बिल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कस्टमर नंबर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सर्कल कोड यहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रही, बिल मंथ मतलब कौन से मंथ का बिल यहाँ पर है, तो ये नवंबर मंथ का है। तो यहाँ पर 230 रुपये यहाँ पर बिल आ गया है, अभी ये भरना है हमें दिसंबर 1 दिसंबर से पहले। तो यहाँ पर हमें बिल देखना है, तो यहाँ पर हम व्यू बिल पर करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके का हमारा यहाँ पर बिल आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको हमें डाउनलोड करने के लिए हमारे यहाँ पर 3 डॉट दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए डाउनलोड का ऑप्शन होगा, और यहाँ पर डाउनलोड कर देना है। इस तरीके के साथ आप हमारा अपना इलेक्ट्रिकल बिल डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर व्यू फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद आपको आपके घर का मीटर का फ़ोटो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हो। इस तरीके का आपको मीटर का फ़ोटो दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।